शर्मा और विराट कोहली के तूफानी बल्ले ने दिखाई करामात। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर के इंग्लैंड के गेंदबाजों की उड़कर के रह गई धज्जियां। तो यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और यहां पर रोहित शर्मा, रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों की उड़ाकर रख दी धज्जियां। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर बार बार रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या जादू है जो बॉल छूते ही सीधे बाउंड्री लाइन के पास जाती है। रोहित शर्मा ने तेरह शतक जड़ा, विराट कोहली ने दोहरा शतक जड़ा, यशस्वी जायसवाल ने भी 200 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। तो यहीं पर रिंकू सिंह ने 150 रन ठोक डाले। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे। और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर के जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा को सलाम ठोका। पूरा का पूरा रोमांचक दिखाएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता यहां पर हमारी भारतीय टीम को दिया। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा मैदान पर उतर पड़े बल्लेबाजी करने के लिए और अंगद की तरह पैर जमा लिए। ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोते रहे। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने तगड़ा शॉट खेलकर बाउंड्री के लाइन गेंद को भेज दिया और छक्का लगा दिया। रोहित शर्मा की खूंखार भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। कप्तान रोहित शर्मा ने इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से इतनी लह में बल्लेबाजी की कि यहां पर इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया, इंग्लैंड के गेंदबाजों को लगा कि मैदान पर तूफान आ गया हो, जलजला आ गया हो। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब कहर बरसाया। जहां पर रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे ले जाने वाले हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खूब कहर बरसा। जहां पर आठवें ओवर की छह गेंदों पर रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से छह गेंदों पर छह छक्के लगातार जड़ दिए। जहां पर आप सभी को बता दें इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो दिया। यहां पर छह गेंदों पर लगातार छह छक्के युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एक तरफ यशस्वी जायसवाल 99 ओवर में आप सभी को बता दूं चार छक्के दो चौके जड़े, लेकिन यशस्वी जायसवाल 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैच आउट हो गए, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दूं यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो मैदान पर यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए। जहां पर सुमन गिल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन सुमन गिल ने कोई खास अच्छा इस बार भी प्रदर्शन नहीं दिखा पाया। सुमन गिल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से अच्छी लह में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे, जहां पर उन्होंने अपनी बेहतर चौके से शुरुआत की, लेकिन यहां पर जो है उतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाई और सिर्फ 32 रन बनाकर के कैच आउट हो गए। सुमन गिल जब आउट हुए तो मैदान पर खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, जी हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू किया, जहां पर ऐसा लग रहा हो फिर से यशस्वी जायसवाल आ गया हो। यहां पर यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर चौंक गए कि आखिरकार ये कौन है। आप सभी को बता दूं रोहित शर्मा और विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब कहर बरसाया और विराट कोहली ने भी शतक पर शतक जड़ दिया। यहां पर 16वें ओवर के 6 गेंदों पर 6 छक्के लगातार जड़े। विराट कोहली और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। जहां 17वें ओवर में 6 गेंदों पर फिर 5 छक्के और 1 चौका जड़ा। विराट कोहली की तूफानी भरी बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई चौंक गया। ऐसा लग रहा है विराट कोहली नहीं महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी ने मैदान पर धुआं धुआं कर दिया, गर्दा गर्दा कर दिया। आप सभी को बता दें कि बल्लेबाज तट पर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर 25वें ओवर तक इन्होंने इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की। मैच 25 ओवर तक ही 200 रन रोहित शर्मा ने और 106 रन विराट कोहली ने पूरे कर दिए। इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर खूब कहर बरसा रही थी और दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी मैदान पर डटकर कर रहे। जहां पर भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर रोहित शर्मा ने 13 शतक और विराट कोहली ने दोहरा शतक जड़ दिया। जब भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर चुके थे तो मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज इंग्लैंड के आए, जहां पर मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में एक विकेट चटका दिया। रविंद्र जडेजा ने दूसरे ओवर में एक विकेट चटका दिया, क्योंकि रविंद्र जडेजा काफी खोखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आप सभी को बता दें रविंद्र जडेजा काफी खोखार ऑलराउंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने दूसरे ओवर में 2 विकेट चटकाए, जहां पर आप सभी को बता दूं जसप्रीत बुमराह ने 4थे ओवर में एक विकेट चटकाया, जहां पर विकेट चटकते रहे और यहां पर पूरी की पूरी टीम है वो ऑल आउट हो गई। आप सभी को बता दें कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा ने काफी कातिलाना विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कराई और यहां पर जो है इंग्लैंड की टीम को जल्द से जल्द बोल्ड कर दिया और सिर्फ 31 ही ओवर में पूरी की पूरी टीम को, बटालियन को जो है पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन इनके बीच वार्म अप मैच खेला गया है एक ऐसा ही मुकाबला, लेकिन जो रियल मुकाबला है वो 25 जनवरी को आपको हमारे चैनल के द्वारा देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।